वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की पहली फिल्म जो रिव्यू करने वाले हैं वो है मिलाप जवेरी की मच अवेटेड फिल्म सत्यमेव जयते। धुआंधार गाने, ऐसे गाने जो आपकी फिल्म को हिट के यू नो स्टेटस पर ले जाकर छोड़ देते हैं, ऐसा धमाकेदार ट्रेलर जिसने ऑडियंस की एक्साइटमेंट को इतना बढ़ा दिया। एक बात आपको बता दूं गाइस, अगर ये फिल्म गोल्ड के साथ क्लैश नहीं होती, अगर ये सोलो रिलीज होती, तो ये फिल्म को जितना तवज्जो अब मिल रहा है, जितनी इंपॉर्टेंस अब मिल रही है, शायद उसके ज्यादा नहीं बल्कि उससे कम 20% कम बज मिलता, बिकॉज इट इज क्लैशिंग विद गोल्ड। इसका जो बज है वो ऑलमोस्ट 20-25% बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो मैं इसमें आपको ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा इस फिल्म के बारे में। चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है। मुंबई में जितने भी पुलिस है, जो करप्ट पुलिस है, उनका एक एक करके अंतिम संस्कार हो रहा है। अंतिम संस्कार यानी कि जॉन इब्राहिम, जो कि काली हुडी में घूमता है पूरे मुंबई शहर में, और उनको एक के बाद एक आग लगा रहा है। यस फ्रेंड्स, आग तो लगाता ही लगाता है, उनकी हड्डी पसली इस तरह तोड़ता है कि उनका जिंदा रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वहीं पर मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर है वो परेशान है कि अब करे तो क्या करे। तो फ्रेंड्स, छुट्टी से बुलाए जाते हैं मिस्टर मनोज बाजपाई, जो इस फिल्म में बने एक ऐसे पुलिस अफसर जो कहते हैं मैं इससे करप्ट इस पुलिस स्टेशन से करप्शन तो नहीं हटा सकता, लेकिन उसको मैं जरूर ढूंढ सकता हूं। तो गाइज, जंग शुरू होती है, फोन कॉन्वर्सेशन होते हैं, चूहे बिल्ली का गेम शुरू होता है, और जॉन इब्राहिम एक के बाद एक जितने पुलिस अफसर है उनको मारता जाता है। फ्लैशबैक में जाए तो गाइस, एक बहुत ही गहरा सच पता चलता है जॉन इब्राहिम के पिता के बारे में, जो कि एक पुलिस अफसर थे, और उसी का कारण है कि जॉन इब्राहिम ये कत्ल कर रहे हैं। तो क्या फ्रेंड्स, इस फिल्म में मनोज बाजपेयी जॉन इब्राहिम को पकड़ने में कामयाब होते हैं? क्या जॉन इब्राहिम का मकसद इतना मजबूत है कि उनको मजबूर कर देता है इतने सारे पुलिस वालों को आग लगा के जला देना? क्या करप्शन मिटेगा? क्या बेईमान पिटेगा? इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी फिल्म सत्यमेव जयते। अब बात करते हैं इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स की। फिल्म का प्लस पॉइंट है इस फिल्म के गाने। दिलबर जब स्क्रीन पर आता है, ऑडियंस थिएटर में पागल हो जाती है, इतनी तालियां सीटियां बजती है, कैसा लगता है हम लोग क्रिकेट मैच देखने आए हैं कोई स्टेडियम में। फिर बात करें पानियोसा इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जिस तरह से उस गाने में जॉन इब्राहिम और आयशा शर्मा की केमिस्ट्री दिखाई गई है, बहुत बेहतरीन और उमदा है। बात करें इस फिल्म के डायलॉग्स की, तो क्या पाटिल क्या कादिर, हर आदमी बेईमान है यहाँ पर। बहुत बेहतरीन डायलॉग्स हैं। जिस तरह से कुछ सीन दर्शाए गए हैं, जॉन इब्राहिम पुलिस स्टेशन में घुस के एक इंस्पेक्टर की धुलाई करता है और पीछे अजान की आवाज सुनाई देती है, वो सीन आपके रोंगटे खड़े कर देता है। मुहर्रम का सीन जहां पर ताजदारे हरम वो बजता है, ऑडियंस को बहुत मौके मिलते हैं, बहुत सारे अवसर मिलते हैं तालियां सीटियां बजाने के लिए। लेकिन गाइस, क्या ये तालियों और सीटों की गूंज के पीछे जो फिल्म हम देख रहे हैं वो एक सेंसिबल फिल्म है या नहीं है? सत्यमेव जयते बहुत जगहों पर मार खाती है। जो फ्लैशबैक दिखाया गया इस फिल्म का, बहुत ही कैरिकेचरिस्ट दिखता है, बहुत ही बचकाना दिखता है। ऑडियंस के अंदर इमोशन नहीं, बोर्डम पैदा कर देता है। उनके पिता के प्रति ऑडियंस को जरा भी सिंपति नहीं आती। जिस तरह से शैबिली उन सीन्स को शूट किया गया है, उसी के बाजू में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। आर्ट डायरेक्शन इस फिल्म का बहुत खराब है। जूनियर आर्टिस्ट लोगों को जिस तरह से इस फिल्म में यूटिलाइज किया गया है, बहुत ही वाहियात। ऐसा लग रहा है कि हम क्राइम पेट्रोलों को एपिसोड देख रहे हैं। स्पेशली एक सीन जब जॉन इब्राहिम मनोज बाजपेयी ब्रिज पर मिलते हैं और एक गोली की आवाज चलने की आवाज आती है, ऑडियंस इस तरह से भाग रही है जैसे कि सीआईडी और क्राइम पेट्रोल का प्रोडक्शन वैल्यू है उसी तरह का है। फ्रेंड्स, बात करें सेकेंड हाफ की, सेकेंड हाफ बहुत ही स्लो चलता है। स्टोरी इतनी मिलती जुलती है गब्बर फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, उससे कि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है पहले 15 और 20 मिनट में ही खो जाता है। यस, देयर इज अ जॉन इब्राहिम हु फ्लेक्सेस हिज मसल्स, सिक्स पैक्स, gives ample moments for the audience to clap and whistle. Manoj Bajpayee is in top form. लेकिन end होते होते Manoj Bajpayee की भी जो कुकर की सीटी है वो फुस होना शुरू हो जाती है। क्लाइमैक्स इतना बड़ा है कि ऑडियंस उठकर चले जाने की कोशिश करती है, और जैसे फिल्म खत्म होती है ऑडियंस बस एग्जिट का दस्ता ढूंढती है। अगर मैं इस फिल्म में से मारधार गाने सब निकाल दूं तो फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत पुअर है। आपकी एक्साइटमेंट बांधने में मिलाप जवेरी अनफॉर्चुनेटली नाकामयाब रहे हैं। इस फिल्म की जितनी हाइप जनरेट हुई थी, अनफॉर्चुनेटली जब आप स्क्रीन पर जाते हो तब आपको वो सब देखने नहीं मिलता। ये फिल्म 2 घंटा 30 मिनट का एक सरदर्द बन जाती है। और गाइस, जिस तरह से जॉन इब्राहिम के जो पिता रहते हैं इस फिल्म में, उनको एक गारंटी अवार्ड मिला था इस फिल्म, उनकी
पुलिस सर्विस के लिए मेरे को एक गारंटी अवार्ड मिलना चाहिए जस्ट फॉर वॉचिंग दिस मूवी ऑन स्क्रीन. द फिल्म इज अ सॉरी अफेयर जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन एंड इट्स सॉन्ग्स एंड द माइनर माइनर सीन्स जहां पर थोड़े इमोशंस क्लिक करते हैं. ये फिल्म बहुत ही गंदी तरीके से बनाई गई है. ये एक क्राइम पेट्रोल का सीरियल लगता है, एक CID का सीरियल लगता है. मुझे पता है जितने भी जॉन विक के फैन सुन के खुश नहीं है, लेकिन आप जाइए थिएटर में देखिए. ऑडियंस की सीटी तो बजेगी, ताली भी बजेगी, लेकिन आस्ते आस्ते एंड होते होते वो भी खत्म हो जाएगी. अनफॉर्चुनेटली सत्यमेव जयते बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट तो हो जाएगी जिस तरह से उसने ओपनिंग ली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी फिल्म नहीं है. मैं देता हूं सत्यमेव जयते को 2.5 out of 5 स्टार्स. सो गाइज, अगर सत्यमेव जयते का स्पॉयलर रिव्यू देखना है जिसमें आपको डिटेल तरीके से पूरी कहानी बताऊंगा और किस तरह से ये फिल्म और किस तरह से मार खाती है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा. एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. सिमियामरन साई साइनिंग ऑफ. यू गोना सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.